तो आज मैं आया था कैचीधाम, यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है गुलफाम भाई से आज, जो है अच्छा अच्छा। तो आज अफजाल भाई का जो है यहाँ पे बर्थडे, और अभी रात के करीब 1:09 हो चुके हैं और मैं भाई को यहाँ पे पार्टी दे रहा हूँ। केक की जगह मेरे पास यही था। लो भाई खाओ, स्टार्ट करो। केक तो मिला नहीं, जो बर्थडे ये सरदार जी कैसे सो रहे हैं? आप मिलो भाई, एक मिनट को नोना बोल लोंगल आप पे हो। आप भाई का बर्थडे है, पतंग चलेंगे ना खाने देंगे। चलो आज हमारे साथ बर्थडे मनाना था। तो आप सभी को राम राम। ये हमारे कल्पेश भाई हैं जो गुजरात से। बारह ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा कर रहे हैं पैदल, वो भी तो कल्पेश भाई मिले थे अभी हम जहाँ पे सोने वाले थे। कल्पेश भाई से हमारी लड़ाई हुई है, जो बंदा हमें लेके आया था यहाँ पे वो कल्पेश भाई से झगड़ा कर रहा था जगह के लिए। तो बताओ कल्पेश भाई कैसा लग रहा था हमसे मिलने के बाद में, झगड़ा करने के बाद? झगड़ा नहीं, उसको बोलते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये कल्पेश भाई की बात बिल्कुल सही है, अगर हम प्यार से कहते तो पहले भी हो जाता, लेकिन अब तो कहा है अब भाई को चाय भी पिलाई। चाय कैसी लग रही है? बढ़िया एकदम। चलो, और ये बाकी हमारे भाई हैं, ये हमारे राजस्थान से रहने वाले, बिहार के, और राजस्थान में जो इनकी कंसल्टेंसी है अपनी राय पे दूसरों को चला रहे हैं। चलो चाय पीने के बाद मिलते हैं, सुबह को देखते हैं भंडारे में हम क्या क्या सेवा करते हैं। बाकी चाय कैसी बनी है? ठीक ठीक, बढ़िया मजा आ गया। चलो, तभी हमें यहाँ पे छोटी सी भक्ति, इसने हमें पानी की बोतल दी है। कहाँ से हो? यहीं से? मुरादाबाद से। अरे फरुखाबाद से। फरुखाबाद, जहाँ पे वो किस्सा है, जहाँ स्टेशन बना है वो? अच्छा, तो ये फरुखाबाद से आए हुए थे, ये भी बाबा के भंडारे में सेवा दे रहे हैं सबके सब, और बहुत अच्छा लगा ये देख के, मैं तो पहली बार आया हूँ। खैर, आगे भी। तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं फिर से जा रहा हूँ नीम करौली कैची धाम, क्योंकि कल वहाँ पे जो है स्थापना दिवस है, 15 तारीख को उसकी स्थापना हुई थी। ये नहीं पता कौन से संघ में, जब वहाँ पे भंडारा वगैरह है तो रात को आपको दिखाते हैं वीडियो में वहाँ हम क्या क्या करते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये लो, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है यार। कितने? एक देखो बस, एक ही चीज़ है। बढ़िया डंडा देगी इधर।
तो फिर से पिछली बार की तरह जैसे वीडियो में चाय बनाई थी पीली कोठी के ऊपर बैठ के फिर बनाएंगे, तो ये मैं चढ़ गया पीली कोठी के ऊपर। आज हम बनाएंगे मैगी। मैगी ऐसा है, बंदे बदल चुके हैं, भूमि नहीं आई, भूमि के बाद में भाई आए हैं हमारे साथ में। लो भाई चढ़ावा कर दिया हमने, ये चाहिए पाजी की हमारे हम काला डूबी गए। अच्छा काला डूबी जी, चाय चेक करके बताओ कैसी है। मजा आ गया भाई, अरे एक नंबर है, एक नंबर की चाय बनाई है पाजी तुमने। रास्ते में भंडारे की तैयारी के लिए तो अभी हमें यहाँ पे छोटी सी भक्ति, इसने हमें पानी की बोतल दी है। कहाँ से हो? यहीं से मुरादाबाद से। अरे फरुखाबाद से। फरुखाबाद जहाँ पे वो किस्सा है, जहाँ स्टेशन बना है वो। अच्छा, तो ये फरुखाबाद से आए हुए थे, ये भी बाबा के भंडारे में सेवा दे रहे हैं सबके सब। और बहुत अच्छा लगा ये देख के, मैं तो पहली बार आया हूँ। खैर इसके आगे वीडियो में और देखते हैं क्या होता है। सभी को दिए यहाँ पे एक एक पानी बोतल, वो नीम करोली। तो फाइनली हम सभी आ चुके हैं यहाँ पे बाबा के धाम पर। अभी जो है हमने बाइक अपनी लगा दी है पार्किंग में, और हम जा रहे हैं नीचे धाम की तरफ जहाँ पे मंदिर है। और वहाँ देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं रात में भंडारे में, थोड़ी बहुत सेवा करने की हमने सोच लिया अगर भंडारे में कहीं करने देते हैं। और ये बताएंगे बाकी इन्हें कैसा लग रहा है कि भाई साहब आज का सफर करके मन खुश हो गया। आज ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हम इस टाइम, स्वर्ग में।
तो अब हम तीनों जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। बाहर जो है देखो लाइन लगी हुई है, भक्त जो है यहाँ पे बहुत बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। रात के समय भी इतनी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। चश्मे लाए बाबे ने, चश्मे लाए बाबे, चश्मे नहीं लाए। नंबर की पर्ची मिलेगी? नंबर की कंबल, कंबल, कंबल। अच्छा कंबल भी मिल रहे हैं यहाँ पे समझ लिया। हम तो घर से लाए हम अपने ही बहुत सही है। गड्डी मेरा कंबल यार, गड्डी कंबल मैं ला लूँ। ये लाइन जो है ना लंबी लगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि दर्शन तो हो जाएंगे लाइन लगने के बाद भी, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पे गेट बंद है और दर्शन अभी जो है सुबह को होने वाला है। देख सकते हो पीछे मंदिर का थोड़ा बहुत नज़ारा। तो यहाँ पे यात्री जितने भी भक्तगढ़ यात्री आए हुए हैं उनके सोने के लिए कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कंबल दे रहे हैं यहाँ पे टोकन के हिसाब से, तो उसी की लाइन लगी पड़ी है और मैं दर्शन करने के लिए इस लाइन में लगा हुआ था। देख तो रहा है कि वीडियो में हमारी रात कैसी कटती है। तो आप सभी को राम राम। ये हमारे कल्पेश भाई हैं जो गुजरात से 12 ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा कर रहे हैं पैदल। वो भी तो कल्पेश भाई मिले थे अभी हम जहाँ पे सोने वाले थे। कल्पेश भाई से हमारी लड़ाई हुई है, जो बंदा हमें लेके आया था यहाँ पे वो कल्पेश भाई से झगड़ा कर रहा था जगह के लिए। तो बताओ कल्पेश भाई कैसा लग रहा तुम्हें हमसे मिलने के बाद में, झगड़ा करने के बाद में? झगड़ा नहीं, उसको बोलते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये कल्पेश भाई की बात बिल्कुल सही है, अगर हम प्यार से कहते तो पहले भी हो जाता, लेकिन अब तो कहा है भाई को चाय भी पिलाई। चाय कैसी लग रही है? बढ़िया है। चलो, और ये बाकी हमारे भाई हैं, ये हमारे राजस्थान से रहने वाले बिहार के, और राजस्थान में जो इनकी कंसल्टेंसी है अपनी राय पे दूसरों को चला रहे हैं। चलो चाय पीने के बाद मिलते हैं, सुबह को देखते हैं भंडारे में हम क्या क्या सेवा करते हैं। बाकी चाय कैसी बनी है? ठीक ठीक बढ़िया मजा आ गया। चलो, सभापति ये रहे, ये सारे सभा वाले बैठे पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ सभा चल रही है आकाशवाणी रेडियो की, पूरी पूरी सारे के सारे बैठे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आज मैं आया था कैची धाम, यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई है गुलफाम भाई से। आज जो है अच्छा अच्छा, तो आज अफजाल भाई का जो है यहाँ पे बर्थडे, और अभी रात के करीब 1:09 हो चुके हैं और मैं भाई को यहाँ पे पार्टी दे रहा हूँ। की जगह मेरे पास यही था। लो भाई केक तो मिला नहीं, जो बजट में। सरदार जी कैसे सो रहे हैं? आप मिलो भाई, आप भाई का बर्थडे पतंजलि। चलो आज हमारे साथ बर्थडे मनाना था। FM 106.6 MHz पर हम आकाशवाणी के लखनऊ के केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आज देखिए कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से वो हो रहा है, फोन की वजह से। आप कैमरा बंद कर देंगे हो जाएगा। कंटिन्यू करो, सोचो ये है ही नहीं। नीचे 1.6 MHz पर हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1945 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2023। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। और सभापति ये रहे, ये सारे सभा वाले बैठे पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ सभा चल रही है आकाशवाणी रेडियो की, पूरी पूरी सारे के सारे बैठे। बहुत अच्छा, आकाशवाणी का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बड़े।